अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। हाँ जी, तो क्या हाल चाल है आपके? उम्मीद करती हूँ सब ठीक ठाक होंगे। चले जी, मैं बनाने लगी हूँ चिकन चिप्स, बिकॉज़ छोटी सिस्टर को चिकन चिप्स बहुत ज़्यादा पसंद है, तो मैंने कहा चलो एक डिश उसकी पसंद की भी हो जानी चाहिए। यहाँ पे मैंने सबसे पहले लिया था दही, दही के अंदर मैंने ऐड किया चिकन, और चिकन ऐड करने के बाद मैंने चम्मच के साथ इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लिया, और मिक्स करने के बाद मुझे याद आया कि मैंने आँच नहीं लगाई। चले यहाँ पर हम आँच लगाते हैं चूल्हे के नीचे, और इसके अंदर जो चीज़ें ऐड होनी है अब वो निकालते हैं। यहाँ पर छोटी मामा आ चुकी थी बाज़ार से, वो बाज़ार गई हुई थी कुछ थोड़ी बहुत चीज़ें लेने के लिए। जब वो वापस आई तो वो पूछ रही थी कि मटर पुलाव रेडी हो गया। मैंने कहा एक चीज़ तो रेडी हो गई, अब दूसरी चीज़ मैं कर रही हूँ रेडी। चले जी, बारी थी अब इसके स्पाइसेस इसके अंदर ऐड करने के साथ साथ मैं किचन की चीज़ें भी उठा रही थी कि किचन भी साफ साफ लगे। अच्छा जी, हमने इसके अंदर ऐड कर दिया है नमक कोई 1.5 चम्मच, और साथ में हम लोग लेंगे काली मिर्च। काली मिर्च मैंने डाल दी, डालने के बाद उसको मैंने अच्छे तरीके से मिक्स किया। ये सारी चीज़ों के अंदाजे आपने खुद अपनी मर्जी से रखने हैं यार, ये मैं इसका एक्यूरेट नहीं बता सकती। मैं आपको बार बार हर व्लॉग में बताती हूँ, क्योंकि हर बंदे का टेस्ट अपना अपना होता है, अपने हाथ का अपना जायका। अच्छा जी, यहाँ पे मैंने काली मिर्च मुझे थोड़ी सी कम लग रही थी, मैंने और ऐड कर दी है, और साथ में अब इसके अंदर हम अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड करेंगे। इसको ऐड करने के बाद अच्छे तरीके से चम्मच हिला के अब इसको हम रख देते हैं। चले जी, दही और चिकन अच्छे तरीके से पकना स्टार्ट हो गए थे। अब आ रही थी हमारे सॉसेस अंदर ऐड करने की। मैंने इसके अंदर चिली सॉस, सोया सॉस एंड सिरका ऐड किया, और अदरक लहसुन का पेस्ट मुझे थोड़ा सा कम लग रहा था, तो वो भी मैं थोड़ा सा और अंदर ऐड करूँगी। इनको डालने के बाद इसको अच्छे तरीके से मिक्स करके अब इसके अंदर कुछ भी नहीं जाना, अब इसको हम पकने के लिए रख देते हैं। चले जी, अब हम इसका जो पानी है वो ड्राई होने के लिए छोड़ देते हैं। चलें जी, यहाँ पे हमारा पानी हो चुका था खुश्क, और बोटी हमारी बहुत सॉफ्ट और बड़ी मज़े की टूट रही थी, और साथ में मैंने ऑयल दिखाया। अब हम बनाते हैं चिप्स, चिप्स फ्राई करके इसके अंदर अब वो ऐड करेंगे। चूल्हा मैंने इसका कर दिया है बंद। चले अब फटाफट अपने चिप्स बना के, और मैं जल्दी से आपको इसको रेडी करके दिखाती हूँ। यहाँ पे चीज़ हमारी हो चुकी थी अच्छे तरीके से फ्राई, और हम लोग अब इसको कर देते हैं चिकन के अंदर ऐड। चिकन भी गर्म था और चिप्स भी अंदर डाल रहे हैं, तो इसकी जो इसको मिक्स करेंगे वो बहुत मज़े की होगी। इसके अंदर भी जो मसाला चिकन का होगा वो चिप्स के साथ लग जाएगा, और ये डिश इतनी मज़े की है फ्रेंड्स, आप सोच नहीं सकते। ज़रूर ट्राई कीजिएगा, और मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आपको कैसी लगी।